कक्षा 10वीं विषय गणित इकाई 4 द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.3। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए अंक को ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम मान लेते हैं, हम में से सब जानते हैं कि माना काहे में, गणित में। ध्यान से समझेंगे, माना कि गणित में 1 अंक मिला, एक उदाहरण के लिए। तब क्योंकि दोनों अंकों का योग 30 है, दोनों अंकों का क्या योग 30 है, तब हम बड़ी आसानी से बतला सकते तो अंग्रेजी में कितना मिला होगा, तो 29 अंक। यदि गणित में 2 अंक मिले तब अंग्रेजी में कितने मिलेंगे, 28। गणित में 3 अंक मिले तो अंग्रेजी में 27। गणित में 4 अंक मिले तो अंग्रेजी में 26। यहाँ 5 अंक मिलते तो यहाँ 25। गणित में 6 अंक मिलते तो अंग्रेजी में 24। गणित में 7 अंक मिलते तो यहाँ पर 23। ऐसे ही अगर गणित में 10 अंक मिले तो अंग्रेजी में 20। गणित में 15 अंक मिलते तो अंग्रेजी में भी 15। गणित में 20 अंक मिलते तो यहाँ 10। गणित में 28 अंक मिलते तो यहाँ 2। ऐसे ही गणित में यहाँ 29 अंक मिलते तो यहाँ 1। और गणित में अगर x अंक मिलते तो यहाँ कितने, तो ध्यान से देखो इन दोनों का योगफल कितना आ रहा है, 30। 20 10 30, 15 15 30, 20 10 20 30, 7 23 30, 6 24 30, मतलब इन दोनों का योगफल भी आना चाहिए। तो यहाँ उसको अंग्रेजी में अंक मिलते 30 ऋण x। तो यही मानेंगे, माना गणित में अंक उसको x मिले तब अंग्रेजी में मिलने वाले अंक कितने, 30 ऋण x। माना काहे में, गणित में 30 को कितने x अंक मिलते हैं। तो ध्यान दीजिए, माना गणित में अगर शेफाली को 1 अंक मिलते तब किसको, शेफाली को काहे में, अंग्रेजी में, कौन से विषय में, अंग्रेजी में कितने अंक मिलते, 30 ऋण x अंक। अभी अपन ने ज्ञात किया। अब ध्यान दीजिए, प्रश्न की शर्त को अगर हम समझने का प्रयास किए तो यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले होते, मतलब x की बजाय x-2, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते, 30 ऋण x की बजाय 30 ऋण x ऋण 3। तो प्रश्न अनुसार देखेंगे क्या लिख रहे हैं अपन। कौन से विषय में, गणित विषय में 2 अंक अधिक, मतलब x का में 2 जोड़ देंगे, x-2। कौन से विषय में, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, मतलब क्या, 30 ऋण x ऋण 3। तो इन दोनों का गुणनफल 210 होता। इन दोनों का क्या, इसको हल करेंगे हम। x-2 पहले ब्रैकेट में, 30 में से 3 को घटाए तो 27 ऋण x बराबर इसे 210। x का 27 ऋण x में गुणा, x का 27 में गुणा होगा तो 27x, x का ऋण x में गुणा होगा तो ऋण x की घात 2, 27 का 2 में गुणा होगा तो 54।
दो का ऋण एक्स में गुणा होगा तो कितना, ऋण दो एक्स बराबरी से 210। अगली स्टेप क्या लिखेंगे, ऋण एक्स की घात दो को सबसे आगे की तरफ लिखा, 27x में से 2x को घटाए, जब 27 में से हम 2x को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 25x। 210 जब इधर आएगा, 210 दाहिनी तरफ से आएगा तो ऋण 210, जिसमें से ये धन 54 क्या हो जाएगा, घट जाएगा बराबरी से। ध्यान दो, ऋण x की घात दो धन 25x। अब 210 में से हम 54 को जब घटाएंगे तो 10 में से 4 गए 6, 11 में से 6 जाएंगे 5, 156 बराबरी से 0। इस ऋण को धन में बदलने के लिए ऋण का गुणा कर देंगे, जब हम ऋण का यहाँ पर गुणा करते हैं तो कंडीशन क्या आएगी, ध्यान दो, ऋण का जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x की घात 2 ऋण 25x धन 156 बराबरी से कितना, 0। इसको मध्यपद के विभाजन से भी हम हल कर सकते, ऐसी दो संख्या जिन दोनों का गुणा करने पर 156 आए और जोड़ने पर 25 आए, तो ऐसी दो संख्या हम जानते हैं, इसलिए हम चाहे तो मध्यपद के विभाजन से भी इसको इस प्रकार से हल कर सकते कि 13 और 12 का क्या, ऋण 12x धन 156 बराबरी से कितना, 0। पहले दो पदों से x को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x ऋण 13, बाद के दो पदों से ऋण 12 को कॉमन लिया तो क्या है, x ऋण 13 बराबरी से 0। दोनों पदों में x ऋण 13 को यदि हम कॉमन लेते हैं तो आया x ऋण बराबरी से 0। यदि पहली परिस्थिति हमने ली x ऋण 12 बराबरी से 0, तब x बराबरी से 12 या x ऋण 13 बराबरी से 0, तब x बराबरी से 13। अब अंक तो आ गए, अब इसको लिखेंगे कैसे, यदि किसको, सैफाली को, यदि सैफाली को काहे में गणित में, यदि सैफाली को गणित में x बराबरी से कितने, 12 अंक, तब काहे में अंग्रेजी में, कौन से विषय में, अंग्रेजी में, सीधी सी बात है 30 में से हम 12 को क्या कर देंगे, घटा देंगे तो कितने आ गए, 18 अंक। या किसको, सैफाली को, या किसको, सैफाली को काहे में गणित में x बराबरी से 13 भी आ रहा है, x बराबरी से कितने, 13 अंक मिलते, तब कौन से विषय में, तब काहे में अंग्रेजी में, तब काहे में अंग्रेजी में कितने, 30 में से 13 को घटा दो, 30 में से 13 को घटाएंगे तो कितने आएंगे, 17 अंक, कितने अंक आ गए, 17 अंक। यहाँ दो प्रकार की कंडीशन आई है, आइए हम काहे के उत्तर की जांच करने का प्रयास करें कि क्या ये दोनों उत्तर ठीक आ रहे हैं या नहीं। पहली कंडीशन, गणित में कितने, 12 अंक, अंग्रेजी में कितने, 18 अंक। प्रश्न की शर्त दी है, यदि गणित में 2 अंक और होते और अंग्रेजी में 3 अंक कम होते, मतलब यहाँ पर अंक होते 14 और यहाँ पर अंक कितने होते, 15, तो उन दोनों का गुणा यानी 14 और 15 का क्या करते, गुणा, तो ये 14 और 15 का गुणा कितना आना चाहिए, 210 आता है। अब यहाँ देखो तो अंग्रेजी में गणित में उसको अंक यानी काहे में मेस में जो अंक मिले वो मिले हैं 13, और अंग्रेजी में जो अंक मिले हैं वो मिले हैं 17। वही शर्त, गणित में 2 अंक ज़्यादा, अंग्रेजी में 3 अंक कम, तो ये कितना हो गया,
15, ये कितना हो गया 14। अंक तो दोनों के दोनों वही आए, इसलिए 15 और 14 का भी गुणा 210, अर्थात दोनों उत्तर सत्य। तो उम्मीद है आप सभी के प्रश्न समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।